हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक सैनी और आप देख रहे हैं विवूज ऑटो व्लॉग्स। आज मैं एक अपने नए चैनल को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मिस्टर पेट्रोल हेड के नाम से है एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो चेकआउट कर सकते हो मेरा नया चैनल भी और वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियोज भी अभी उसमें पड़ी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज है, यू कैन चेकआउट देम एज वेल। आज हम बात करने वाले बलिनो के पुराने और नए वेरियंट में क्या क्या अंतर आया है। जो फेस लिफ्टेड है वो अभी 3-4 दिन पहले यानी 28 तारीख में रिलीज हुआ है और जो पुराना वाला वेरियंट है वो अब प्रोडक्शन फेज में नहीं रहा है, तो इन दोनों के अंदर अंतर क्या क्या है, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, इन सब के ऊपर गौर देंगे। आप बस बने रहिए मेरे साथ में और अगर मेरे चैनल पे हो आप नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिलती रहे। ऐसी ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई जानकारी मैं हर रोज आपके सामने लाता रहता हूं। देखिए, पुरानी और नई बलिनो में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादातर आपको कॉस्मेटिक चेंजेस ही यहां पर नजर आएंगे और जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले कॉस्मेटिक चेंजेस के बारे में बात करते हैं। इन कॉस्मेटिक चेंजेस में सबसे पहली चीज जिसकी ग्रिल है वो इंप्रूव हुई है, अब थोड़ा वेवी करेक्टर आ गया उसमें और जो नीचे की तरह थोड़ी सी स्लाइंटेड है काफी अच्छी लग रही है। पुराने वाली जो ग्रिल थी वो थोड़ी सी डॉटेड थी यानी कि उसमें छोटे छोटे स्ट्रट्स थे और वो ग्रिल और इस ग्रिल में काफी अंतर है फिलहाल। तो एक नया बंपर यहाँ पर आ गया है, बंपर की डायमेंशन ऑल्दो सेम ही है यानी कि पुराने वाले जो बलिनो के कस्टमर्स है वो नया वाला फिट करवा सकते हैं और जो नए वाला बम्पर है उसमें कट्स एंड कर्व्स आ गए हैं बहुत सारे। जहां पर फॉग लैम्प की यूनिट है वहां पर थोड़ा एरोडायनामिक दी गई है गाड़ी और पुराने वाली जो बम्पर था वो काफी प्लेन था, उसमें इतना ज्यादा कट्स नहीं थे। बात करते हैं फॉग लैम्प इंसर्ट्स की। पहले वाले जो फॉग लैम्प इंसर्ट्स थे वो एयर डैम के साथ में स्ट्रेच आउट हुआ करते थे, अभी वाले जो फॉग लैम्प्स है वो कम्प्लीटली एक नई यूनिट है जो बम्पर के अंदर में प्लेस की गई है। ब्लैक कलर के एलिमेंट के साथ में उनको अमेलगम करवाया गया है, काफी अच्छे लग नए वाले फॉग लैंप्स जो है। लास्ट आउटर कॉस्मेटिक अपडेट की बात करते हैं, ये है अलॉय व्हील्स। पुराने वाले जो अलॉय व्हील्स थे वो सिंपल स्पोकिश लगते थे, थोड़े देखने में कूल वो भी लगते थे नो डाउट, बट वो मशीन कट या डायमंड कट नहीं थे। अभी नए वाले जो इंट्रोड्यूस कराए गए वो कंप्लीटली नई यूनिट है, वो कंप्लीटली डायमंड कट एंड मशीन कट है और डायमेंशन ऑल्दो सेम ही है दोनों ही अलॉयज की, बट हाँ जो नए वाले हैं वो काफी अपीलिंग अब नजर आते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेकआउट करते हैं कि अंदर पुराने वाली और नए वाली में क्या क्या अंतर आया है। सबसे मेजर अंतर जो है वो इसके सीट की है। तो सीट में एलिमेंट्स आया, अभी ब्लैक एंड ब्लू कलर की ट्रीटमेंट अब दी गई है गाड़ी के सीट्स के ऊपर जो काफी अच्छी लग रही है एंड ये विंडो पैनल में भी आपको कंटिन्यू नजर आएगी। अगर यहाँ पर प्री फेस लिफ्टेड वर्जन की बात करें तो वहां पर ब्लैक एंड ग्रे कलर की ट्रीटमेंट आया करती थी, ब्लैक एंड ग्रे कलर के सीट कवर्स थे वहां पर, तो वो उनकी अलग फिनिशिंग थी। एसी वेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान आपको देना पड़ेगा, पुराने और नए वाले में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो एसी वेंट्स या फिर एसी के कंट्रोल्स हैं उनकी जो सिल्वर ट्रीटमेंट है वो ज्यादा डार्कन कर दी गई है, पुराने वाली ज्यादा सिल्वरिश थी अब ग्रेइश एंड डार्कन की गई है थोड़ी सी, तो ज्यादा आपको देखने में यहाँ पर अंतर नजर नहीं आएगा। बात करते हैं हेडलैम्प टेक्नोलॉजी की। पहले जो है एलईडी नहीं आया करती थी, पहले एचआईडी प्रोजेक्शंस आया करता था, अब जो है वो एलईडी ट्रीटमेंट के साथ में आती है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर एलईडीज आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है मारुति सुजुकी। पहले ये टॉप एंड में ही प्रोजेक्टर्स आया करते थे एचआईडी के साथ में यानी कि अल्फा वेरिएंट में। यहाँ पर आप DRLs भी चेकआउट कर सकते हैं, हालांकि ये जो DRLs है वो छोटे वेरिएंट में भी दे गई हैं जिसको मारुति सुजुकी लाइट गाइड्स बता रही है। अगर टॉप एंड में जाओगे तो ये कंप्लीटली 15 बल्ब्स की यूनिट है जो जलती हैं और काफी अच्छी लगती हैं। छोटे वाले वेरिएंट में भी DRL है बट वो लाइट गाइड्स के फॉर्म में है। पुराने वाली जनरेशन में कोई DRL आपको छोटे वेरिएंट्स में नहीं मिला करते थे, सिंपल पार्किंग बल्ब्स या क्लियर लैंप्स हम जिसको कहते हैं वो यहाँ पर ऑफर करती थी। तो ये तो हो गए कॉस्मेटिक चेंजेस या फिर हेडलाइट टेक्नोलॉजी के चेंजेस। अब बात करते हैं फीचर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। नए वाली जनरेशन में 2-DIN इलेक्ट्रोस्टैटिक टच आपको सिस्टम मिलता है, पुराने वाली जनरेशन में बटन ही था। इस बार जो है वो जो आपने अर्टिगा में फील किया है वही वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर यूज किया गया है। पुराने वाले जो बटन थे वो थोड़ा सा बोरिंग लगता था, उसमें इतना मजा नहीं आता था, बट हाँ ये वाला जो है आपको टच स्क्रीन की जरूर यहाँ पर फील कराएगा। पहले यूवी कट विंडोज जो है वो शुरुआती वेरियंट में यानी कि जेटा और अल्फा दोनों में आया करते थे, अब इसको केवल अल्फा तक ही लिमिटेड कर दिया है। पहले पार्किंग सेंसर्स डेल्टा वेरियंट में आया करते थे, डेल्टा से अबव वेरिएंट में आया करते थे। पहले सिग्मा में पार्किंग सेंसर्स नहीं था, बट क्योंकि अभी नए नॉर्म्स जो आने वाले हैं उनमें पार्किंग सेंसर्स भी एक होने वाला है, इसलिए इन्होंने स्टैंडर्ड ही कर दिया यानी कि सिग्मा वेरिएंट से ही आपको पार्किंग सेंसर सब मिला करेंगे।
पहले लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील आपको जेटा एज वेल एज अल्फा दोनों में मिला करती थी, अब आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील्स केवल और केवल अल्फा वेरिएंट में ही ऑफर कर रही है मारुति सुजुकी। तो ये तो थे कुछ चेंजेस जो नए वाली फेसलिफ्टेड बलिनो में आए हैं, पुराने वाली भी मैंने आपको शोकेस कर दी है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद, पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में और जुड़े रहना है वीवूज ऑटो व्लॉग्स के साथ में। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ में, अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।